सो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएमए फाउंडेशन, सीएमए फाइनल, सीएमए इंटरमीडिएट। अगर आप सीएमए स्टूडेंट है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे न्यूज़ चालू है। सो आज के वीडियो में एज पर कि सीएमए एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस गलत फहमी में भी बैठे कि सर सीएमए एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, सीएमए एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। बट आप देख सकते हैं कि जो ट्विटर हैंडल है यहाँ पे बहुत सारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी जैसे कि सीए क्लब, सीएमए क्लब इंडिया को देख लो, इन्होंने भी पहले बोल दिया था यहाँ पे कि जैसे कि आप देख सकते हैं सीएमए क्लब इंडिया ने भी पहले ही बोल दिया था प्रोटेस्ट वाज गोइंग, जो सीएमए स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट चालू था उसके लिए उनको 50 स्टूडेंट रिक्वायर्ड थे, दिल्ली में मीटिंग था। बट यहाँ पे देख सकते हैं वे आर गोइंग टू कम दिल्ली मीटिंग, बट हाउ मैनी पीपल कम, ओनली 8, एंड सो ऑन वी कैन नॉट डू द प्रोटेस्ट। मतलब कि अब सीएमए क्लब इंडिया भी प्रोटेस्ट नहीं करेगी यहाँ पे। दिस इज द स्टूडेंट फाइट, वी कैन ओनली सपोर्ट, विदाउट 50 स्टूडेंट वी कैन नॉट प्रोटेस्ट। अगर 50 स्टूडेंट नहीं रहे तो सीएमए क्लब इंडिया भी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, ये जैसे कि आप सभी जानते हैं। और आईसीएमआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, कोई इम्पोर्टेंट पोस्टपोन से रिलेटेड अपडेट भी देखने को नहीं मिला है। मीन इसका सिंपल सा मतलब है कि कंफर्म है कि आपका एग्ज़ाम फिक्स है, पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम है। और स्टूडेंट जैसे ही आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन से रिलेटेड कोई अपडेट, कोई ट्वीट मिलेगा मुझे, छोटा छोटा ट्वीट मैं आपको सबसे पहले दूंगा। अगर आप सीएमए स्टूडेंट है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के ऑल वाले सेक्शन पे क्लिक करना ना भूले। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करते हुए बोला है कि सर सीएमए एग्ज़ाम प्लीज़ पोस्टपोन कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बोला है कि सर नो मोर आईसीएमआई को जास्ती नहीं, फिर भी एटलीस्ट कम से कम 1 मंथ के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। बिकॉज एक तो आप एमटीपी लेट देते हो, उसके बाद आप बोलते हो कि सीएमए एग्ज़ाम जो होगा वो टाइपिंग, जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको टाइप करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर अगर हमको सीए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीएमए का और हम टाइप करके एग्ज़ाम दें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आईसीएमआई को थोड़ा सा कुछ डे का तो ग्रेस डे देना ही चाहिए सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। आप देख सकते हैं आईसीएमआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे भी अपडेट वाले सेक्शन में कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं आया है पोस्टपोन से रिलेटेड। स्टूडेंट जैसे ही मैंने बताया कि पोस्टपोन से रिलेटेड अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले दे दूँगा। सो आप स्टडी कंटिन्यू रखिए, आपके बिहाफ में हम लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो कि आपके बिहाफ में लगे हैं। एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो सही है, नहीं होता है तो आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। बिकॉज ऑफ फाउंडेशन स्टूडेंट है तो भी या फिर फाइनल स्टूडेंट है तो भी आपका एग्ज़ाम 101% चांस अब लग रहा है कि होना फिक्स है। सो अगर अपडेट आता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो अच्छा है, आपको 1 मंथ का कुछ टाइम मिल जाएगा स्टडी करने के लिए, बट आप अपने स्टडी पर फोकस रहिए। और बात रही एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड अगर आपका एग्ज़ाम फिक्स है और पोस्टपोन नहीं हुआ तो आपका एडमिट कार्ड इस मंथ या फिर इस मंथ तक आने के चांसेस तो है। और एडमिट कार्ड जैसे आता है मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा, जैसे कि मॉक टेस्ट पेपर आ गया है आपको पता होगा। और स्टूडेंट इसी बीच में सीएमए पपन सर कोई फेक न्यूज़ भी फैल गए थे कि सीएमए एग्ज़ाम अब पोस्टपोन हो चुका है, बट अभी तक तो कुछ भी ऐसा न्यूज़ नहीं था, वो न्यूज़ फेक था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। जैसे ही एग्ज़ाम पोस्टपोन या फिर कुछ होता है मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल पे बने रहें।